गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे और मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ मेरा सैटरडे संडे का व्लॉग। और आज 9 बज रहे हैं सुबह के और सुबह सुबह हम लोग निकलने वाले हैं कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए। शायद कुछ नॉर्थ इंडियन ही ट्राई कर ले और उसके बाद मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, शायद हम डी मार्ट जाए। और बहुत ही अच्छा जो है ये फन रूटीन जो है मैंने लाइनअप कर रखा है, खास करके सैटरडे संडे जो होता है ना वो निशांत घर पे होता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे जॉब पे जाता है, सैटरडे संडे ही हम लोगों को मिलता है। तो कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ सोचती रहती हूँ मैं कि क्या करे सैटरडे संडे और वीकेंड हमारा जो है वो अच्छा जाए, जिससे क्या होता है ना अगर हमारा जो वीकेंड है अच्छे से रिफ्रेश्ड होके जाए तो वीक भी बहुत ही अच्छा रहता है और हमें काम करने के लिए भी बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो चले गाइज ये सैटरडे संडे का व्लॉग मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, तो चले लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, तो यहाँ पे मैंने ये सिंपल सा टॉप और जीन्स पहना हुआ है और चलिए चलते हैं। तो गाइज ये है निशान जिसको मैं सुबह सुबह उठाकर लेके जा रही हूँ बेचारा। हे गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं। एक्चुअली निशान गया एटीएम से कैश लाने के लिए, कैश खत्म हो गया था हमारे पास। और वैसे मुझे आपको बहुत बहुत थैंक यू करना था क्योंकि गया जो सैटरडे संडे का व्लॉग है ना आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए थैंक यू। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए और उसी कोशिश में मैं रहती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला व्लॉग भी आपको कैसा लगा। और वैसे मैं अभी यहाँ पे बातें कर रही हूँ और बहुत सारे लोग जो है वो मुझे घूर रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग यहाँ पे घूर रहे थे पर अभी वो लोग जो है जैसे मैंने उनके ऊपर कैमरा डाल दिया तो वो जो है यहाँ वहाँ देखने लगे। तो ये अक्सर होता रहता है व्लॉगिंग के टाइम पे। और वैसे मुझे आपको एक और बात बतानी है, बहुत ही जल्दी आपको एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है इस चैनल के ऊपर। वैसे ये मत सोच लेना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि बहुत ही लोग जो है वो यही सोचेंगे इस तरह के कुछ गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ अगर मैरिड कपल दे तो वही लगता है कि प्रेग्नेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है वो। वो इस चैनल के डेवलपमेंट में ही काम आने वाली है और आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी वो सारे व्लॉग्स देख के। तो उसके लिए ट्यून इन रहिएगा, 1 मंथ के बाद ही मैं वो शेयर करने लगूँगी, अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो विश मी लक। और अभी निशांत आ गया है तो इसके बाद मैं देखते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रीट फूड दिख तो नहीं रहा है और देखते हैं क्या क्या स्ट्रीट फूड मिलता है यहाँ पे। वैसे हम लोग कुछ साउथ इंडियन ही ट्राई करेंगे, वैसे यहाँ पे मुंबई में तो साउथ इंडियन ही ज़्यादा चलता है या फिर मिसल पाव है साउथ इंडियन, और कुछ ऑप्शंस तो मिलते नहीं है। देखते हैं, चेकआउट करते हैं क्या क्या मिलता है। तो अभी हम आ गए हैं होटल में, मैंने मसाला डोसा ऑर्डर किया है और फिर कनिले मेदू वड़ा सांभर और इडली मिक्स। तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा मिलता है, घर के हमारे थोड़ा पास में ही है और अच्छा रीजनेबल मिल जाता है, तो हम लोग यहाँ पे आते ही रहते हैं। मतलब साउथ इंडियन फूड मोस्टली बहुत डिलीशियस है, यहाँ का सांभर वगैरह बहुत टेस्टी होता है। जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो यही ऑर्डर करते हैं मोस्टली।
थोड़ी सी जो ग्रोसरी है वो हमारी लेके हो गई है। तो अभी यहाँ पे ना एक भाजी वाला है, तो यहाँ पे मैं आई हूँ थोड़े वेजिटेबल्स और फ्रूट लेने के लिए। हाँ द्या 10 शिमला मिरची द्या 2 नको 10 बघ झालं हे घ्या 2 बीटरूट कस नाही शिमला मिरची कसे 120 रुपए एक एक कशी नको। हे गाइस, तो अभी हम आ गए हैं घर पे और 2 बैग्स भर के यहाँ पे मैंने सामान लाया है। तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लाया है। सबसे पहले ये एक बैग है जिसमें सारी सब्जियां है, मतलब ज्यादा कुछ सामान नहीं है, सारी ये सब्जी है आप देख सकते हो। तो जो हमें डेली के लिए सब्जी लगती है वही है सारी, और इसमें सारी सब्जियां ही है। और ये जो है ये मैंने ग्रोसरी लाई है, तो सबसे पहले दिखा देती हूँ। तो ये क्रीम रोल्स है, अगर आप जानते हो क्रीम रोल्स बहुत ही अच्छा डेजर्ट टाइप होता है, तो ये क्रीम रोल्स है, तो इस पर 50% ऑफ लगा था, तो मैंने ये क्रीम लिए है। और उसके बाद में मैंने लिया है ये गुआवा का जूस। नेक्स्ट ये कुछ बिस्किट्स लिए हैं मैंने, तो फिर ये सनफीस्ट का बिस्किट है, नेक्स्ट मारी बिस्किट है, तो हम लोग को बहुत पसंद है मारी बिस्किट वगैरह। नेक्स्ट ये लिया है मैंने श्रीखंड, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में थोड़े और बिस्किट्स वगैरह, ये बिस्किट और बिस्किट। तो ये ना बॉर्नविटा का न्यू आया है बनाना एंड ओट्स, तो ये मुझे ट्राई आउट करना था इसीलिए मैंने लिया है ये वाला। और इसके बाद में ये मिल्क है, नेक्स्ट पनीर है ये वाला, तो ये वाला भी पनीर मुझे काफी पसंद है, अमूल का है मलाई पनीर। नेक्स्ट और बिस्किट्स है, और पास्ता लिया है मैंने, तो पास्ता के इन टोटल मेरे पास है 3 पैकेट्स। तीसरा कहाँ गया, तो ये एक ये है आप देख सकते हो स्पाइरल शेप में आता है ना वो वाला पास्ता है ये, और ये हमारा मैक्रोनी पास्ता आता है वो है ये। नेक्स्ट ये कुछ पॉपकॉर्न के पैकेट्स है, तो पॉपकॉर्न के पैकेट्स ये है। राई है यहाँ पे, तो राई खत्म हो गई थी इसलिए राई लेके आई हूँ मैं, ये और पॉपकॉर्न का पैकेट है। नेक्स्ट यहाँ पे है नेस्ट कैफे सनराइज, तो ये है एक। और चिंटू आ गए हैं स्पेशल अपीयरेंस देने के लिए, तो हाय चिंटू, बग इते कैमरा कड़े बग। एक्चुअली ये देखने आई है कि मैंने क्या क्या लिया है, तो इसकी एक आदत है कि हमेशा कुछ भी चीज घर में नहीं आए ना पूरा उसको जो है ये स्मेल लेगी, डिटेक्ट करेगी कि हाँ ये कोई बम तो नहीं है इस तरह का, और सब स्मेल लेगी। और अभी भी इसका स्मेल लेने का चालू है, मतलब वो सूंघ रही है सारी चीजों को। तो ये हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, उसके बाद में घर में सामान जो है वो किचन के अंदर जाता है ना चिंटू? हाँ बोल रही है। तो ये है शुगर लिया है मैंने, 1 kg शुगर है। फिर डिटर्जेंट लिया है, और ये सोया चंक्स है, तो
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा सोयाबीन, क्योंकि हम लोग हर वीक बनाते हैं ये सोयाबीन की सब्जी, अच्छी लगती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। और ये पास्ता का और एक रह गया था यहाँ पे, और ये एक नेस्ट कैफे का जो नॉर्मल वेरियंट होता है ये। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता रही थी, पिछला वाला जो सैटरडे संडे का व्लॉग है उसमें आपने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए थैंक यू। इससे क्या होता है ना, मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और हमें तो यही चाहिए कि आपको वीडियोस पसंद आए, इसलिए तो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ कि आपको मैक्सिमम वीडियोज़ जो है पसंद आए। और मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या देखना है मेरी लाइफस्टाइल के ऊपर, जैसे कि क्या आपको मेरा होम टूर देखना है। अगर आपको मेरा होम टूर देखना है कि कैसा है मेरा पूरा का, तो ज़रूर कमेंट्स पे बताइएगा मुझे, मुझे बहुत खुशी होगी मेरा होम टूर करने के लिए। बट होम टूर करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की ज़रूरत है, तभी मैं मेरा जो हाउस है वो आपके साथ शेयर करूँगी। कम से कम मुझे 50-60 कमेंट्स चाहिए नीचे, उसके बाद ही मैं जो है इस रिक्वेस्ट पर वर्क करूँगी। तो ये है हमारे चिंटू के करतब। गे पकड़। हेलो गाइस, तो आज है संडे और शाम का वक्त हो रहा है, हम लोग जाने वाले घूमने। तो हम लोग जाने वाले हैं ठाणे के विवियाना मॉल में, और बहुत दिनों बाद हम बाइक से जाने वाले हैं, क्योंकि बारिश अभी थोड़ा कम हो गया है तो भीगने के चांसेस बहुत कम है। बहुत सारे वीकेंड हम लोग ने ऐसे ही घर में ही बिताए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, क्या बताऊँ मैं आपको। और एक बात खास आज की ये है कि हम लोग जाने वाले बाइक से बहुत सारे दिनों के बाद में। तो चलिए चलते हैं विवियाना मॉल, और वहां जाके मैं आपसे मिलती हूँ।
आइसक्रीम है ना, अमूल का चोको आलमंड केसर बादाम आइसक्रीम का स्कूप है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, मस्ट ट्राई है। हाय हाय, तो अभी मैं ये ब्लॉग जो है वो यहाँ पे बंद कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। आई होप ये छोटा सा जो है सैटरडे संडे का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और आपको तो पता है क्या करना है, अगर ब्लॉग पसंद आया है तो एक बड़ा सा लाइक कर देना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही एक अमेजिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।